स्वागत है। बात जालौर की, जहां पर चितलवाना इलाके में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने टैंकरों से पानी की सप्लाई के नाम पर जमकर घोटाला किया है। यहां पानी की सप्लाई किए बिना ही अधिकारियों ने मिली भगत करके सरकार और विभाग को लाखों का चूना लगाया है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जालौर के चितलवाना के नेहट क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए सांचौर जलदाय विभाग ने पानी के टैंकर इलाके में लगाए थे, लेकिन पानी ग्रामीणों तक पहुंचा ही नहीं। खास बात ये रही कि बिना पानी पहुंचे विभागीय अधिकारियों ने कागजों में लोगों को पानी पिला दिया और ठेकेदार को 8 लाख से ज्यादा का भुगतान भी कर दिया। जी मीडिया ने नेहट क्षेत्र में पूरी पड़ताल की तो पूरी हकीकत सामने आ गई। सुनिए पूरी हकीकत ग्रामीण की जुबानी। सरकार तरफ़ कोई टंकर आता नहीं, पानी पीवा नहीं, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हाँ मोटर में आया रहा नेहट क्षेत्र के गांव कुकड़िया, रड़का, खेजड़ियाली सहित आसपास के ठेकेदारों ने बहुत ही कम फेरे किए। घोटालों से जुड़े सवालों का जवाब लेने के लिए जी मीडिया की टीम जलदाय विभाग के सांचौर स्थित दफ्तर पहुंची। विभागीय अधिकारी मूलाराम गोयल ने पिछले साल का भुगतान जनवरी 2017 में होना स्वीकारा, लेकिन कर्मकों की रिपोर्ट का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। जिनके यहाँ पानी पहुंचा है ना, उनके बयान तो मैं नहीं, जांच में तो वो काम आते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि इस बार गर्मियों में अभी तक पानी के टैंकर नहीं लगाए गए हैं। घोटाले को रोकने के लिए टैंकर्स पर इस बार जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश है। पकड़े जाने के डर से ठेकेदारों ने इस बार ज्यादा दर भरे। विभाग ने बाद में दर को कम किया, लेकिन भी टेंडर नहीं हो पाया। ऐसे में घोटाले का खुलासा होने के डर से अब जीपीएस सिस्टम लगे टैंकर्स की सप्लाई का काम कोई ठेकेदार लेने को राजी नहीं है। टेंडर को निरस्त कर दिया गया। सवाल यही है कि कलेक्टर इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेंगे तो ही क्या सप्लाई शुरू हो पाएगी, या फिर इस बार नेहट इलाके के लोग पानी के लिए तरसते ही रहेंगे। लूड़ाराम दर्जी, जी मीडिया, जालौर। चलिए खबर कोटा से, जहां पर विज्ञान नगर थाना इलाके